खुशियां मना रहे हैं। क्या करने आई हो यहां? आखिरी बार वार्न करने आ, अपने बेटों को लगाम दो, उन्हें समझाएं कि मेरे रास्ते में मत आए। लगाम की जरूरत तो तुम्हें है मापारा। अच्छा तो यही होता कि मैं उसी दिन तुम्हारी रस्सी खींच लेती जिस दिन तुमने हाजरा की बराबरी करने की कोशिश की थी। इनकी बराबरी, उसके लिए तो मुझे बहुत नीचे गिरना पड़ता। अगर नीचे गिर के ही तुम हाजरा जैसी पाकबाज और शरीफ बन सकती हो ना, तो बेहतर है कि गिर जाओ। मैं फरी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज। नहीं नहीं नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है, समझने की कोशिश करें। राय, मैं फरी का इससे अच्छा ट्रीटमेंट घर पे करवा दूंगा, लेकिन फरी किसी सूरत यहाँ नहीं रहेगी। इसकी जरूरत नहीं है, वो यहीं रहेगी। सोहेल भाई, राय वो मेरी बेटी है, मैं देखूंगा कि उसके लिए क्या जरूरी है और क्या नहीं। तो फिर आप डिसाइड कर लें कि आपके लिए कौन और क्या जरूरी है, क्योंकि फरी के लिए हम सब हैं। क्या कहना चाह रहे हो तुम? ये क्या कहना चाह रहा है? जो मैं कहना चाहता हूँ वो मैं इस सिचुएशन में कह ही नहीं सकता। बस कर दो प्लीज, हॉस्पिटल में खड़े हुए तुम लोग। आप मेरी बात सुने, फरी ठीक हुए बगैर यहां से कहीं नहीं जाएगी। मैंने कहा ना, वो मेरी बेटी और है। वो मेरी भी कुछ लगती है। अरे सोहेल भाई, क्या हो गया आपको? देखें, आप मेरी माने एक दफा डॉक्टर से बात कर लीजिए, फरी की कंडीशन का पता चलेगा, आपके लिए फैसला करना आसान हो जाएगा, ट्रस्ट मी। मुबारक हो आपको। तुम यहां क्या कर रही हो? आपका इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है। वैसे कैसा लग रहा है आपको घर में बेटी होने का एहसास होना? जिम्मेदारी तो लग रही होगी। मैंने तो तुम जैसी एहसान फरामोश को भी अपनी बेटी ही समझा था। तभी तो खुदा ने आपके घर बेटी दी है, ताकि आपको एहसास हो कि बेटियों का दर्द क्या होता है।